हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। जैसे कि आप सभी को बोर्ड में भी दिख रहा है कि आज कुछ मोटी मोटी आप सभी के बीच में बात की जाएगी, तो आप सभी इनसे हो सकता है कुछ लोग वाकिफ हो, कुछ लोग हो सकता है इससे वाकिफ ना हो। तो आज आपके बीच में जो बातें की जाएंगी वो होंगी भारत में सर्वाधिक लंबा, बड़ा और ऊंचा, जो अभी वर्तमान के हिसाब से, वर्तमान का मतलब जो अभी आपका लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है ना, लेटेस्ट एकदम प्रेजेंट टाइम की सारी चीजें आपको अपडेटेड दी जा रही है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसे एक बार जरूर देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहां से आपको देखने को मिलेंगी। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर, समुंदर भी आएगा थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर। ये मंजिल भी मिलेगी, और ये जो मंजिल है ना, मंजिल आपको मिलने वाली हो, मंजिल मिलने के बाद जो मजा आने वाला है ना, वो आप झूम झूम कर बताएंगे लोगों को। और जब सिलेक्शन हो जाता है ना, तो लोग झूठ बोलने लगते हैं, कहेंगे 12 घंटे नहीं मैं 18 घंटे पढ़ाई करता था, मैं 8 घंटे नहीं मैं 16 घंटे पढ़ाई करता था। तो कृपया करके आप सभी लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, गुमराह बच्चों को नहीं करेंगे। सफलता पाने के बाद आप सच सच बताएंगे कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, तो ज्यादा बेहतर होगा ना। बहुत से लोग बता देते हैं कि ये मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा, जब उनके पास हकीकत में लोग गए कि देखें आपके रूम में, आपके स्टडी रूम पर कितनी कौन सी बुकें हैं, तो चंद बुकें मिली थी उनके यहाँ, ठीक है ना, नाम नहीं लेना चाहते हैं, इशारा काफी है लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप उन सारी गुमराह चीजों से दूर रहें। देखिए यहाँ पर कहा गया आप सभी लोगों के बीच में, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, लार्जेस्ट, और आपकी लेंथ और आपकी ऊंचाई की बात कही गई है, और एकदम लेटेस्ट डाटा के अनुसार आपके बीच में रखा गया है। भारत में कहा गया, भारत की बात है तो भारत की बात होगी, ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में पहले से माइंड में रख सेट करके रखेंगे। यहाँ पर विश्व की बात होगी तो हम खुद ही वहां बोलेंगे। कहा गया सबसे बड़ी कृत्रिम जो आपकी झील होगी तो कौन सी होगी, तो आप कहेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर। मैंने बहुत बार पढ़ाया है आप सभी लोगों को रिहंद नदी पर, ठीक है, बहुत बार पढ़ाया है कृत्रिम झील होगी, ध्यान से आप पढ़ेंगे, मैंने आप सभी को पढ़ाया। सबसे बड़ी अंतरदेशी खारे पानी की झील सांबर झील है, जो आपके राजस्थान में। सबसे बड़ी लैगून झील आपकी कौन सी होगी, तो आप कहेंगे चिल्का झील। सबसे बड़ी झील भी कौन सी होगी, चिल्का झील, कहां पर, उड़ीसा में। अगला कहा गया है खारे, सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील, तटीय झील क्यों कहा गया, देखिएगा यहां पर आपका उड़ीसा पड़ता है तो ये तट पर है, इसलिए तटीय झील भी कहा जाता है इसे। तो क्या होगा, चिल्का झील उड़ीसा की है, ठीक है, तो याद रखेंगे। सबसे बड़ी ताजे पानी या मीठे वाटर, मतलब आपको कहते हैं क्या, फ्रेश वाटर लेक कौन सी होगी, तो आप कहेंगे वूलर झील, कहां पर है, जम्मू कश्मीर, यहीं पर। नाग नागिन वाली जितनी भी झीले होंगी यहीं पर होंगी, मानस बल झील भी यहीं पर है, ठीक है ना, क्या होगी, मानस बल झील भी जम्मू कश्मीर में है। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर। इसी लोकटक झील पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कमेंट बॉक्स में उस नाम को लिखकर बताएंगे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मणिपुर में, ठीक है। अगला कहा गया सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर स्थित, तो आप कहेंगे सिक्किम में गुरु डोगमर, सिक्किम में है क्या, गुरु डोगमर है सबसे ऊंचाई पर स्थित ये झील है, कहां पर, गुरु डोगमर सिक्किम में, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, यहां पर कहा गया है देखिए, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली माही नदी, मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी होगी, तो आप कहोगे लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी होगी, तो आप कहेंगे जायरे या कांगो नदी, जायरे या इसी को कांगो नदी कह दिया जाता है, याद रखेंगे। ब्रंस घाटी में बहने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, दामोदर आदि, मतलब नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, तीन नदियां आपको याद रखनी है। सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है, तो कहेंगे भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से ही जहां पर इन दोनों का संगम होता है उसी को देवप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवप्रयाग कहा जाता है। जितने पॉइंट बताए जरूर याद। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है, गंगा। सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की यमुना, यमुना है सबसे लंबी सहायक नदी, यमुना है किसकी है, गंगा की, ठीक है।
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो कावेरी को, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो कावेरी को, दक्षिण की गंगा गोदावरी को, गोदावरी को ही बूढ़ी गंगा कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली कोसी नदी, बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बिहार का शोक, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो आप कहेंगे कोसी नदी को कहा जाता है। सर्वाधिक अपवाह द्रोणी वाली गंगा नदी कौन सी है, गंगा, और दक्षिण भारत में गोदावरी, ठीक है ना। कहीं कहीं पर कावेरी माना जाता है, लेकिन आप अगर कहीं पर देखेंगे, चाहे एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी हो, कहीं पर भी देखेंगे तो आपको गोदावरी ही मिलेगा, आयोग ने कावेरी माना है, ठीक है ना। अब आपके ऑप्शन पर डिपेंड रहे, दक्षिण भारत की सर्वाधिक अपवाह द्रोणी गोदावरी है, ठीक है। भारत की बात हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्षा, आइए वर्षा के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मानसिंहराम मेघालय में, ये विश्व में सर्वाधिक है, कहां पर, विश्व में सर्वाधिक है भाई, सबसे ज्यादा अगर वर्षा होती तो हमारे भारत के मेघालय में, मानसिंहराम में, विश्व में सबसे ज्यादा। भारत में सबसे सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम इधर कुछ जाती है और कुछ इधर भी जाती है, और यहाँ पर वृष्ट छाया प्रदेश मिल जाता है, ठीक है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान आप कहेंगे लेह लद्दाख, क्या होगा, लेह लद्दाख होगा, लेह लद्दाख में क्या, बर्फ ही बर्फ है, यहाँ पर वर्षा वर्षा वगैरह नहीं ज्यादा होती है, ठीक है। लेह लद्दाख एकदम मरुस्थली है, ठीक है, लेह लद्दाख। तट रेखा, रेखा का मतलब आप जानते हो ना, तट रेखा, ये तट रेखा समुद्र से लगने वाली तट रेखा की बात हो रही, सबसे छोटी तट रेखा आपकी गोवा की, किसकी, गोवा की, सबसे लंबी तट रेखा आपके गुजरात की, किसकी होगी, गुजरात की, ठीक है, गुजरात की। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं लगता, आंध्र प्रदेश लगता है, तेलंगाना यहाँ पर, तेलंगाना की ना तो इधर लगती ना तो इधर, हमेशा याद रखेंगे, तेलंगाना की रेखा या तट रेखा समुद्र से नहीं लगती है, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश, आगे क्या कहा गया, बंदरगाह के बारे में, देखिए सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू मुंबई में, ठीक है, सबसे बड़ा मुंबई बंदरगाह है, कौन सा, मुंबई बंदरगाह है, ठीक है, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह मुंबई में है, ठीक है, यह मुंबई है। सबसे गहरा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, सबसे प्राचीन आपका कोलकाता है, कौन सा है, कोलकाता, जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया, लेटेस्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया। अगला देखेंगे हवाई अड्डा, देखिए हवाई अड्डे की जब बात आए तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में सबसे बड़ा है, ठीक है, हवाई अड्डा। आगे बात कही गई है, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे 27 ईस्ट वेस्ट, मतलब ईस्ट वेस्ट, पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक, ईस्ट का मतलब ईस्ट का पूरब और वेस्ट का पश्चिम, ठीक है। ईस्ट वेस्ट में कौन आएगा तो गुजरात और सिलचर, असम में सिलचर और गुजरात का पोरबंदर, ठीक है। रेलवे प्लेटफॉर्म तो देखिएगा, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुम्बली जो कहां पर है, कर्नाटक में है, ठीक है ना। राष्ट्रीय जल मार्ग जिसे नेशनल वाटर वन जो हल्दिया से प्रयागराज गंगा नदी के तट पर है, गंगा नदी पर, ठीक है। आगे देखेंगे सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस डुबरीगढ़ से कन्याकुमारी। अब आप कहेंगे डुबरीगढ़ और कन्याकुमारी, देखिए डुबरीगढ़ से यहां से लेकर असम वाले क्षेत्र, डुबरीगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक जाता, अब आपका यहां से नहीं होगा, कहां से, ये वाला जम्मू कश्मीर से छोटा पड़ जाता है, सबसे लंबा ये वाला हो गया, ठीक है, याद रखें। ट्रेन सेवा से वंचित राज्य सिक्किम, अभी तक सिक्किम में कोई ट्रेन सेवा नहीं दी जाती है, याद रखेंगे। सबसे लंबी ट्रेन, सबसे पहली ट्रेन बंबई से ठाणे चली थी कब, 16 अप्रैल 1853 में, याद रखेंगे। सबसे पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता मेट्रो ट्रेन। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है तो आप कहेंगे डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, याद रहेगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, ठीक है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन आप कहेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस। ये भारत में सबसे लंबे, सबसे बड़े, सबसे ऊंचे की बात हो रही, डाकघर, भारत को डाकघर क्या कहा जाता है, भारत सबसे ऊंचाई पर स्थित,
हिक्किम डाकघर है जो कहां पर हिमाचल प्रदेश हिक्किम सिक्किम नहीं हिक्किम डाकघर सबसे बड़ा बम्बई जेपीओ है। सबसे बड़ा कहां है? बम्बई जेपीओ डाकघर है, ठीक है, याद रहेगा ना। पोस्ट ऑफिस बांध, आइए बांध देखते हैं। बांध के विषय में डैम, सबसे लंबा डैम कौन हो? हीराकुंड बांध उड़ीसा में कहां पर है? महानदी पर है, महानदी पर है। कहां पर है? महानदी पर। गुरुत्वी बांध, मैंने बात की थी गुरुत्वी बांध की, सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध भाखड़ा नागल बांध है, यहाँ पर भाखड़ा बांध दिया गया है। भाखड़ा जो आपका पंजाब का है, ठीक है, कहाँ का है? पंजाब का है, ठीक है। आइए अगला देश, सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा भारत में क्या है? तारामंडल। तो बिड़ला प्लेटेनियम कोलकाता में है तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल आप देखेंगे तो कहां पर है? कोलकाता में है। किला, चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान का सबसे बड़ा है। भवन, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में सबसे बड़ा भवन है, अभी तो इसका नाम बदल गया है ना, बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका अब नया नाम क्या है, राष्ट्रपति भवन के सामने जो बनाया गया है, जल्दी से जब कमेंट बॉक्स में कमेंट। प्रदर्शनी मैदान, प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स जो नई दिल्ली में, सबसे बड़ा मैदान है, ठीक है ना। अजायब घर, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, अजायब घर भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। गुम्बद, सबसे बड़ा गोल गुम्बद कर्नाटक का है, भारत में सबसे बड़ा गोल गुम्बद कहां पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। सड़क पुल, देखिए सबसे बड़ा लंबा की बात कही गई यहाँ पर, तो कहा गया है सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु असम में सबसे बड़ा है, ठीक है। नहर, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में सबसे लंबी नहर है, ठीक है। सड़क या सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी चेनानी नासरी सुरंग जो 9.28 जम्मू कश्मीर में है, सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है। समुद्र तट जो है आपका सबसे लंबा कहाँ है? मेरीना बीच जो आपकी चेन्नई पर तमिलनाडु में है, ठीक है। रेलवे सुरंग जो आपका ऊधमपुर से लेकर श्रीनगर बारामूला तक है, सबसे लंबी है, देखिए T49। अभी इसमें काफी कुछ कार्य भी किया गया, ये तो करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, 12 किलोमीटर से ज्यादा है, मतलब मोटा मोटा आप 13 किलोमीटर के आसपास कह सकते हो। गिरजाघर, गिरजाघर जहाँ आप लोग क्रिसमस के दिन जाते हैं गिरजाघर, तो गुरुद्वारा सबसे बड़ा गुरुद्वारा पूजा स्थल है, कुछ आपके गुरुद्वारा कहाँ? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, कहाँ पर? स्वर्ण मंदिर। कहा जाता है लंगर, अगर किसी ने लंगर खा लिया, अगर आपको लंगर मिल रहा और आप हाथ फैलाकर लंगर ले लिए, तो आपको जीवन में कभी किसी और के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती है, अगर आपने लंगर लेने के लिए हाथ फैला दिया तो। इसीलिए कहते हैं लंगर जब भी मिले लंगर जरूर खाना चाहिए, ठीक है। गिरजाघर, तो से कैथेड्रल गोवा का सबसे बड़ा गिरजाघर है। गुफा मंदिर, कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है, कैलाश मंदिर सबसे बड़ा गुफा मंदिर। मस्जिद, ताज उल मस्जिद भोपाल की सबसे बड़ी मस्जिद, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, आप YouTube पर देखेंगे ना, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, ठीक है ना। चलिए अगला है सबसे बड़ा नदी द्वीप, आप कहेंगे मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर, कहां पर? असम में। खूब पूछा जाता है ये प्रश्न असम वाला कि कहां पर है मांजुली द्वीप, नदी द्वीप है। और अगर ऐसे पूछा जाए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप कहेंगे कि ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। सबसे ऊंचाई पर स्थित रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो जो ले स्टेशन है, सबसे ऊंचाई पर स्थित रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो का ले स्टेशन है। कौन सा है? ले स्टेशन। सबसे ऊंची चोटी भारत की गाडविन आस्टिन है, या इसी को केटू गाडविन कहते हैं। क्या कहते हैं? केटू कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। देखिए पशुओं का मेला सबसे बड़ा कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। और सोनपुर बिहार में ही क्यों पशुओं का मेला लगता है? क्योंकि बिहार में बहुत अधिक कृषि होती है, कृषि ज्यादातर यहाँ पर किसान ही है, मतलब हमारा उत्तर प्रदेश बिहार सब किसान से संबंधित राज्य है, ठीक है, इसलिए। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। चिड़ियाघर जो आपका चिड़ियाघर है कहाँ पर? चेन्नई में। जो आपका अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क है कहाँ पर? चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई को, वही तमिलनाडु वाला, ठीक है। मूर्ति में सबसे बड़ी तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, लौह पुरुष इन्हें कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बारे में कितनों कम बोला जाए,
कितनों ज्यादा बोला जाए वो कम है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हीं इसी के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला गया इनको, इन्होंने एक यूनिटी बनाई थी, क्या यूनिटी, और यूनियन पर साइन करवा लिए थे किससे, कश्मीर से, जूनागढ़ से, हैदराबाद से, ठीक है। सबसे विशाल स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में, देखिए बहुत बड़ा है, आपको मानचित्र के माध्यम से सब कुछ दिखाया गया है, ठीक है ना, बहुत बड़ा है। कौन सा, मोदी स्टेडियम, मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। मीनार फतेह बुर्ज पंजाब की मीनार सबसे ऊंची मीनार है, ठीक है, सबसे ऊंचा और ऊंची बताया। दरवाजा या दरवाजा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का सबसे ऊंचा दरवाजा है, ठीक है, और सबसे ऊंची मूर्ति आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी के। टीवी टावर तो रामेश्वरम तमिलनाडु में, रामेश्वरम वही रामेश्वरम जो तमिलनाडु अरे श्रीलंका के अलग होता है, रामेश्वरम आप देखेंगे ना पाक जल संधि मैंने पढ़ाई थी, जो रामेश्वरम से अलग होती है श्रीलंका और तमिलनाडु से, ठीक है। सबसे ऊंचा झरना भाई कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर कर्नाटक में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो, इस पीडीएफ को आपको दे दिया जाएगा, ऐप पर जाकर आप ले सकते हो। जनसंख्या वाला शहर मुंबई महाराष्ट्र, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई महाराष्ट्र है। शहरी क्षेत्र वाला राज्य गोवा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन सा है, गोवा, शहरी क्षेत्र सबसे, तो यहाँ पर अगर शहरी है तो ग्रामीण क्षेत्र सबसे कम होगा। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल तो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख भाई सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है भारत का कौन, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये कुछ सम्मान है, जैसे आपको दिया गया सर्वोच्च शौर्य सम्मान परम वीर चक्र होता है, अगर किसी को मिल गया ना किस्मत बदल जाती, परम वीर चक्र सर्वोच्च शौर्य सम्मान, ठीक है। अगर सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात होगी तो भारत रत्न, बहुत गर्व की बात होती है अगर दोनों सम्मान में से कोई एक मिल गया, ठीक है, बहुत गर्व की बात होती है, ठीक है। सबसे बड़ा रेगिस्तान तो थार राजस्थान का रेगिस्तान है, भारत की बात हो रही है ना, ऐसे तो विश्व में सहारा रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल है भारत में, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला भी यही है, ये तो विश्व की बात हो जाएगी, सबसे अधिक अगर जनसंख्या किसी रेगिस्तान में रहती तो थार का रेगिस्तान, जो आपका थार रेगिस्तान, जो आपका राजस्थान का होगा। सर्वाधिक क्या, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात का, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, क्या होगा लद्दाख, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख, लेटेस्ट याद करेंगे ना, इतने ही थे, ये थी आपकी भारत की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, एक नहीं दो बार आप देख लेंगे, आपको सारी चीजें रट जाने वाली है, क्या रट जाने वाली है, तो इसको आप जरूर देखेंगे, कुछ और देखें या ना देखें लेकिन इसे आप जरूर देखेंगे, ठीक है ना। भारत में क्या, इधर से करते ना, भारत में सबसे ऊंचा, सबसे लंबा और सबसे बड़ा, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, आपको भारत में सबसे ऊंचा लंबा बड़ा सब बता दिया गया है, तो अब आप क्या करेंगे फटाफट इसे रिवीजन कर डालेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो है 20-20 मिनट का मुश्किल से बना हुआ है, तो आप इसे देख डालेंगे एक बार ना, लेटेस्ट डाटा है, यहाँ से कई प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखेंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।